हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन जून 2023 की। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजिली कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। इस चैनल आने के एजुकेशन पॉइंट, माई सेल्फ हिना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं BCOC 134 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, और जिनके पास कोई भी प्रीवियस पेपर उन्होंने अभी तक नहीं देखा है कि पेपर किस तरीके से आता है, कितने नंबर का आता है, क्या प्रैक्टिकल थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ डाउट क्लियर कर देगा। बट उससे पहले एक चीज़ जो दिल से मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों के लिए, वो ये है कि मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार दिया और इतने कमेंट्स करते हो ना आप, मतलब दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। और आपके एग्ज़ाम से पहले ये मेरा वादा है कि आप लोगों को हर एक चीज़ प्रोवाइड होगी, हर एक सब्जेक्ट जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम्स में आने वाला है, जो आपके मेन कोर्स हैं, कोर सब्जेक्ट हैं, उन लोगों का, उनकी वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि मैम वन शॉट करवा दीजिए, डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली। बस थोड़ा एडिटिंग में टाइम लग रहा है, वीडियोस कुछ बन चुकी हैं, कुछ अभी एडिटिंग चल रही है, कुछ डे बाय डे बना भी रही हूँ मैं और उस पर काम चल रहा है, लेकिन आपके एग्ज़ाम से पहले सब कुछ मिलेगा। आपके एग्ज़ाम जून में है, आई गेस 15 या 16 ऐसे ही आप लोगों के शायद फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका पेपर है आप लोगों का, इग्नू वाले स्टूडेंट्स का, या फिर अदर कोई यूनिवर्सिटीज़ है तो उनका भी काम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने DU वालों को भी, जब उनके एग्ज़ाम्स थे फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उन लोगों को हर एक चीज़ का वीडियो मिला था। इनफैक्ट मैं हिंदी नहीं भी पढ़ाती हूँ तो, बट फिर भी मैंने हिंदी के ऊपर वीडियो बनाया, या और भी कोई अदर सब्जेक्ट्स थे फिर भी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार जब मिलता है तो मन करता है कि आप लोगों के लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड करी जाए, वो भी इसी चैनल के ऊपर। तो सोचो जब DU वालों के लिए इतना सब कुछ किया गया था तो आप लोगों के लिए भी किया जाएगा, आप बिल्कुल मत घबराओ। टाइम लग रहा है थोड़ा सा एडिटिंग में, क्योंकि मर्ज करना वीडियो को, बहुत बड़ी लेंथ होती है वीडियो की, उनको मर्ज करना, सारी चीज़ें होती हैं, वो मिल जाएंगी बिना किसी डिफ़िकल्टी के। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले BCOC 134 के प्रीवियस पेपर को डिस्कस करें, और जिनके पास बुक्स नहीं है या जिनको कैसे पढ़ना है, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरीके से तैयारी करनी है, तो प्लीज़ वो जाकर के देख लो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सबसे पहले इंपॉर्टेंस मैंने इसलिए दिया है क्योंकि वो अकाउंट्स है, बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि मैम कैसे करेंगे, हमने ट्यूशंस नहीं लिया, व्हाटएवर कोई भी रीज़न है। तो आप लोग क्या है, बेसिकली वहाँ से तैयारी करें, क्योंकि मैंने समरी कराया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं दावा से कहती हूँ कि अगर आपने समरी कर ली और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया वो कर लिए, डेफिनेटली आप 100% पास हो जाओगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म होने वाला है, आप वो देख लेना। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए 132 का, BCOC 132 का ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की समरी ऑलरेडी अपलोडेड है, वो जाके देख लो। प्रीवियस पेपर सारे डिस्कस कर लिए हैं मैंने, और इनफैक्ट 134 का रह गया था, वो मैं आज कर रही हूँ। अगर और भी किसी सब्जेक्ट पे, एडिशनल सब्जेक्ट पे देखना चाहते हो, और मैं वो सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ाती होंगी, बट स्टिल आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। तो आओ स्टार्ट करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जिन स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है, मैं उन लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगी, इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आने वाले हैं, तैयारी अच्छे से करके जाना। और बिल्कुल पास होने की सोचना है, बिल्कुल ये नहीं सोचना कि नहीं इस बार रहन देंगे या नहीं गया तो अगली बार फिर दे देंगे, नहीं। मैं कभी नहीं बोलती ये चीज़, क्योंकि रील आना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कि एक बच्चा जब रील आता है तो कहीं ना कहीं उसको बहुत प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है दूसरों के सामने, फिर वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। तो आप ये बिल्कुल मत सोचो, अगर कोई फ्रेंड बोलता भी तो उसको भी इग्नोर करो, बस इतना मोटिव लेके चलो कि हाँ भाई ठीक है, अगर पूरा साल पढ़ाई नहीं भी करी तो भी अगर हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैनल पर मिल रहे हैं बस उससे हम लोग पास हो जाएँ तो भला हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 100 नंबर का पेपर आया था जून 2022 के अंदर, ये पेपर हुआ था, टर्म एंड एग्जामिनेशन था, 3 घंटे का पेपर था। पहला क्वेश्चन कंपलसरी था, करना ही करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। पार्ट ए और बी में से कुछ कुछ क्वेश्चन करने हैं और इक्वल मार्क्स कंटेन करेगा। और सबसे पहले मैं कह रही हूँ कि एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप कोई सा भी टॉपिक करें, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ें, इग्नू के अंदर एग्जाम्पल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, मैं बोल सकती हूँ बहुत इंपॉर्टेंस है, तो एग्जाम्पल पे फोकस कीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है डिटर्मिनेंट्स की, क्लास 12th के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पढ़ा प्लीज़ रिवाइज कर ले वो।
उसके बाद जो है बी पार्ट जो है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, राइट। यानी कि जो फंक्शंस है स्टैटिस्टिक के उनको एक्सप्लेन करना है, कहीं ना कहीं फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक को एग्जांपल से रिलेट करके समझाना है। पार्ट ए में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, तो ये आपको 20 नंबर का है, ठीक है। अब मैं उन बच्चों को भी साथ साथ गाइड कर रही हूँ कि मान लीजिए आपका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चों के डाउट्स होते हैं, मैं वही अभी क्लियर करती हूँ कि अगर मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने सपोज इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दिया, राइट, या फिर आपने थोड़ा बहुत सॉल्व किया बट आपका आंसर नहीं आया, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, स्टेप मार्किंग ज़रूर होगी, तो आप कोशिश करना कि अपने स्टेप्स को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, फिर आपके आराम से मार्क्स आ जाएंगे, राइट। क्वेश्चन ये तब के केस में बता रही हूँ कि अगर आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है, आपने सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया या आपने बस आपको कुछ आ नहीं रहा और आपने सॉल्व कर दिया, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप पूरी तैयारी करके जाएंगे तो आपके आराम से प्रैक्टिकल में तो फुल मार्क्स तब आ ही जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों का, उसमें आपको ये जो है शो करनी है कुछ फॉलोइंग, ये नीचे ए बी सी में दिया हुआ है, ठीक है, 20 नंबर का था, अगर सही करोगे तो 20 तो डेफिनेटली मिलने हैं। थ्योरी में थोड़ा कटपिट हो जाती है, काट लेते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ बना के लिखते हैं, प्रेजेंटेशन हमारी अच्छी नहीं होती, इसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है कि आप लोगों को किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहते हो कि मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर आपके सारे कोर्स से रिलेटेड पूरा पैटर्न बताऊं, तो आप उस पर कमेंट ज़रूर करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी आपके एग्ज़ाम से पहले। अगर उस पर कमेंट ज़्यादा मिलेंगे मुझे तो मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगी। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक्सप्लेन इनपुट आउटपुट एनालाइज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, आपको एक्सप्लेन करना है, 20 नंबर का है। सोच सकते हो 20 नंबर आप लोग अगर लेना चाहते हो, 20 में से अगर 18 भी लेना चाहते हो तो आपके पॉइंट्स में कुछ दम होना चाहिए, मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको लिखने हैं लाइन टू लाइन वाले। और क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी आपका एग्जांपल देके आपको समझाना है, इनवर्स एंड कंपोजिट फंक्शंस, ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन था। और पार्ट बी से आपको दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये आपको डेटा दिया गया है जिसमें आपको मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है, ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके हैं, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इनफैक्ट आप 7th-8th से मीन मीडियन मोड पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका है टाइम सीरीज एनालाइज के ऊपर, उसको एग्जांपल से रिलेट करना है। फिर आपके बी पार्ट ऐसे ही दिया गया, वो भी आपका कितने का, 10 नंबर के आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैटिस्टिक का, ये ऑलरेडी मैंने क्लास 11th की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, जाके देख लेना, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि आपका डिफरेंस आया है कोरिलेशन रिग्रेशन, इसकी भी मैंने ऑलरेडी थ्योरी वगैरह कराई थी, तो वहाँ से भी देख सकते हो। बी पार्ट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो ये तो हिंदी मीडियम वालों का है, जो हिंदी में करना चाहेंगे हिंदी में करेंगे, इंग्लिश में करना चाहें इंग्लिश में करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट ये भी रहता है कि मैम अगर हमें दो क्वेश्चन इंग्लिश में करने हैं और बाकी क्वेश्चन हमें हिंदी में करने हैं, तो ऐसा नहीं होता, मीडियम एक ही रखना होता है आपको, ऐसे अदरवाइज आपका पूरा पेपर काट दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखें, अगर इंग्लिश में करें तो पूरा इंग्लिश में करना, हिंदी में करें तो पूरा हिंदी में करना, ठीक है। तो मैंने आपको सारे के सारे जो आपके डाउट आने वाले थे वो भी बता दिया। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो अपना चैनल है, आप कमेंट कर सकते हो, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि थ्योरी भी अगर आपने थोड़ी थोड़ी भी पढ़ ली, ठीक है। वैसे मैं बेसिकली अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, ये सब पे वीडियोस बनाती हूँ। मैथ्स का मैंने अभी कुछ 11th-12th का अपलोड नहीं किया है, बट स्टैटिस्टिक का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको पूरा बता दिया है, बच्चों के कमेंट्स थे इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। और वन बाय वन करके आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ आती रहेगी, मतलब ख़त्म हो जाएंगी आपके वो पूरा सिलेबस। और लॉ की भी मुझे याद है, मुझे एक एक चीज़ याद है आप लोगों को क्या प्रोवाइड करनी है, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पेशेंस बनाए रखो और आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। और जो भी चीज़ें आ रही हैं अकाउंट्स की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोग आराम से पास हो जाओ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच।